हेलो फ्रेंड्स, सी एम सी आई टी प्रोग्राम यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस ट्यूटोरियल में हम सीखने वाले हैं कि कंप्यूटर सिस्टम में आपको जो भी प्रोग्राम इंस्टॉल हुआ है वो प्रोग्राम को अन इंस्टॉल हम कैसे करेंगे या फिर हम कंप्यूटर सिस्टम से रिमूव कैसे करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ट्यूटोरियल। ये जो है आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो डेस्कटॉप, ये आइकन्स है जो आपको लेफ्ट साइड में, स्क्रीन के लेफ्ट साइड में दिया गया है, ये आपको डेस्कटॉप है और ये टास्कबार है। तो हमें जो कंप्यूटर में जितने सारे प्रोग्राम सब इंस्टॉलेशन है, आप यहां से भी देख सकते हैं, ये जो जितने सारे देख रहे हैं यहां पे सी ड्राइव में, यहां आपको जो दिया गया है ये सारे प्रोग्राम सब आपका कंप्यूटर में दिया गया है, सी ड्राइव में इंस्टॉलेशन है। जब भी डी ड्राइव में आप ओपन करेंगे ये डी ड्राइव का प्रोग्राम सब है, ठीक है। QB64 है, Office 10 है, सॉफ्टवेयर सब कुछ है, ठीक है। तो ये सब प्रोग्राम है, तो कुछ बैकअप में भी आपको सॉफ्टवेयर प्रोग्राम सब है। तो चलिए हम प्रोग्राम को अन इंस्टॉलेशन करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, तो कंट्रोल पैनल ओपन करना होता है। जब भी कंट्रोल पैनल ओपन करेंगे तो यहाँ पे प्रोग्राम्स एंड फीचर्स नाम का एक आपको आइकन्स है। जब भी आप ओपन करते हैं तो यहाँ पे देख रहे हैं बहुत सारे आपको सॉफ्टवेयर्स है, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स सब जो आपको इंस्टॉलेशन किया गया है, ठीक है। यहाँ पे लिखा गया है कि टू ऑन इंस्टॉल अ प्रोग्राम सिलेक्ट इट फ्रॉम द लिस्ट एंड देन क्लिक ऑन इंस्टॉल चेंज और रिपेयर। यहाँ से आप तीन चीज़ें कर सकते हैं, यहाँ पे अन इंस्टॉल भी कर सकते हैं या चेंज भी कर सकते हैं या इसको रिपेयर भी कर सकते हैं। रिपेयर मतलब यदि प्रोग्राम काम नहीं कर रहा हो तो आप यहाँ से रिपेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इसमें से एक प्रोग्राम लेते हैं। यहाँ पे एक्टिव प्रेजेंटर है, गूगल क्रोम है, माइक्रोसॉफ्ट .NET फ्रेमवर्क है, हाई डिफिनीशन ऑडियो ड्राइवर सब है, टर्बो C++ है, ठीक है। कोई भी एक हम प्रोग्राम लेते हैं जिसको अनइंस्टॉलेशन करते हैं। तो यहाँ पे अनइंस्टॉल करने के लिए सेलेक्ट करना होगा, मान लीजिए ये जो है इस ऐप से सॉफ्टवेयर है इसको हम अनइंस्टॉल करते हैं। तो यहाँ पे जब भी क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अनइंस्टॉल जो है एक बटन मौजूद है, ठीक है। यहाँ से भी अनइंस्टॉल कर सकते हैं या फिर राइट क्लिक करके यहाँ से भी अनइंस्टॉलेशन कर सकते हैं। जब भी आप अनइंस्टॉलेशन करेंगे तो यहाँ पे कंटिन्यू विद अनइंस्टॉल विन आरएआर सॉफ्टवेयर, ठीक है। जब भी एस करेंगे तो यहाँ से क्या होगा, आपको यू नीड टू रिबूट विंडोज़ टू अनइंस्टॉल, ओके। जब भी आप करेंगे तो यहाँ से आपको अनइंस्टॉलेशन हो चुका है, ठीक है। तो इस तरह हम किसी भी एप्लीकेशन प्रोग्राम को अनइंस्टॉलेशन कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आज का ट्यूटोरियल यहीं पर ख़त्म करने जा रहा है। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, एक दूसरे के साथ शेयर करें और नई यूट्यूब वीडियो पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो तो हमारे पास सोशल मीडियाज़ हैं, आप कमेंट कर सकते हैं ताकि मैं सोल्यूशन कर सकूँ। धन्यवाद।